हाय एवरीवन, मेरे चैनल फर्स्ट कदम के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हैं अभी दीव में और दीव हम लोग पहुंचे थे नोएडा से। जी हाँ, हम नोएडा उत्तर प्रदेश से दीव के लिए गए हुए थे। तो ये पूरी जर्नी अगर आप हमारी देखना चाहते हैं तो मैं वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से ये हमारी पूरी जर्नी देख सकते हैं कि हमने किन स्टेप्स में ये जर्नी कवर की, और इसके अलावा इस बीच इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने कौन कौन से प्लेसेस को कवर किया, हम लोगों ने कहाँ स्टे किया और ये जर्नी हमारी कैसी रही। ये कई सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप ये पूरी जर्नी देखना चाहते हैं तो आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। चलिए अभी इस यात्रा को शुरू करते हैं जो कि है अभी दीव की यात्रा। तो हम दीव में पहुँच गए थे करीब 5 बजे, और 5 बजे के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए। होटल हम लोगों ने ऑलरेडी बुक किया हुआ था एंड उस होटल का टूर वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। होटल अच्छा था, सी व्यू होटल था, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर बजट में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो। बस फिर क्या था, हम लोगों ने अपना सामान होटल में ड्रॉप किया और आधे घंटे बाद ही हम लोग निकल गए होटल के आसपास जो भी टूरिस्ट प्लेसेस थे वो देखने। तो नियर बाय जो हमें दिखा रहा था वो दिखा रहा था नागोवा बीच, तो वी डिसाइडेड टू गो टू नागोवा बीच। तो चलिए मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ। हम लोग निकल गए हैं नागोवा बीच और हमने स्टे किया है अपार होटल में, उसका डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो नागोवा बीच अपार होटल से करीब 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और अभी हमारे पास टाइम था शाम को, तो हम जा रहे हैं अभी नागोवा बीच और आपको वहीं जाकर के मिलते हैं। तो नागोवा बीच वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दीव का, जो कि जैसे कि मिनी गोवा भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको गोवा वाली वाइब आएगी, मतलब इस बीच पर पहुंच करके। तो हम लोग भी वही देखते हैं क्या वाइब आ रही है। सामने एक आइलैंड सा दिखाई दे रहा है, क्या सही दिख रहा है वो? अरे वायु, नहीं बताऊंगा। बताओ ना, आप कहाँ जा रहे हो? नहीं बताओगे, वही जाकर बताओगे। हाँ। लोगों से ज्यादा एक्साइटेड है आयु बीच पर जाने के लिए, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम है। आयु फर्स्ट टाइम बीच देखेगा इस बार, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये पूरी जर्नी हम लोगों ने गूगल मैप की हेल्प से ही कवर की और अभी हम एक रेजिडेंशियल इलाके से निकल रहे हैं। और यहाँ पर स्ट्रेंज ये था कि रेजिडेंशियल होते हुए भी इतनी शांति थी, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं। बट हाँ, घर बहुत ही सुंदर सुंदर से बने हुए थे। और इसी बीच इस खूबसूरत से रास्ते को कवर करते हुए हम पहुंचने वाले हैं नागोवा बीच। तो गाइस, दिस इज नॉट एक्चुअल नागोवा बीच, ये है डायनासोर पार्क, जो कि दीव का एक और फेमस प्लेस है। यहाँ पर भी काफी लोग आते हैं एंड स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। तो शाम के समय यहाँ पर भी आप बीच पर जा सकते हो, बीच साइड है, अच्छी प्लेस है। अगर टाइम है तो यहाँ पर बच्चों के साथ जरूर जाएं। और इसके आगे है 2 किलोमीटर नागोवा बीच, तो गूगल मैप की हेल्प से ये लोकेशन दिखा रहा था। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ देर रुके एंड फिर निकले आगे। ये दोनों पापा एंड बच्चा गोइंग टुवर्ड्स बीच। सर, ट्रू फीडबैक पता नहीं होगा, शायद ये जहाँ तक लिखा है यही नागोवा बीच है। हाँ, लेकिन डायनासोर पार्क तो है, ये सामने आप देख सकते हैं बड़ा सा डायनासोर पार्क भी आता है आपको, मतलब अगर आप गूगल में फेमस प्लेसेस चेक करेंगे तो आपको डायनासोर पार्क भी मिलेगा। यहाँ पर कुछ डायनासोर के स्टेचूज बने हुए हैं, बट समथिंग इज मिसिंग। फूड शॉप्स भी नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे से आउटलेट्स हैं, वो भी 2-4, कोई ज़्यादा नहीं है। एंड ये है बीच मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं,
बीच साइड पे आके एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, तो वो सुकून फील कर पा रहे हैं। सो कुछ देर बैठते हैं यहाँ पे, क्योंकि अंधेरा हो गया, बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, तो जल्दी से हमको निकलना पड़ेगा यहाँ पर। और पूछते हैं आसपास, यही थिंक सो कुछ मिस कम्युनिकेशन हुआ है, मुझे लग भी रहा था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर तो कोई हट्स वगैरह नहीं है, फूड आउटलेट्स नहीं है, ये डायनासोर पार्क है। हाँ एक प्लेट खाओ आप, मैं उसी से ले लूँगी। ओए हाथ में मत उठाओ। कुछ कंफ्यूजन ही हुआ था, बीच और 2 किलोमीटर आगे है, पर गूगल ने लोकेशन यही बताई थी। आप यहाँ देख रहे हैं डायनासोर, इस तरीके के डायनासोर के स्टैचूज बने हुए हैं, आगे एक दो और बने हुए हैं, और बच्चों के लिए छोटी छोटी एक दो एक्टिविटीज है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। एंड पास में ही एक मंदिर है, तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। सामने जो लाइट्स दिख रही हैं, दैट इज नागोवा बीच प्रॉपर, जहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह, फूड स्टॉल्स वगैरह मिलेंगे, तो हम लोग वहाँ चलते हैं। और यहाँ पे अगर आप शांति से बैठना चाहते हैं कुछ देर, तो ये बेस्ट प्लेस है उसके लिए, आप यहाँ आ सकते हैं। हम उस बीच पे पहुंच गए हैं जिसे हम ढूंढ रहे थे, नागोवा बीच, जिसे मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ की भीड़ देख के लग रहा है कि हाँ कुछ है यहाँ पर। सी आ गया ना, मुझे फ्लोटर्स पहनना है। हाँ सी आ गया, वायु को फ्लोटर्स पहनना है, और हम जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी फूड स्टॉल्स दिख रही है मुझे, और रेस्टोरेंट खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। पीपल हम लोग हैं फाइनली नागोवा बीच पर, और बहुत शांति है यार, एकदम शांत सा लग रहा है। बीच वाली वाइब ही नहीं आ रही, आई डोंट नो कैसे इसको मिनी गोवा बोलते हैं, हो सकता है सुबह में रहती हो थोड़ी सी रौनक, बट अभी तो बहुत शांति है। बस वो जो सामने आपको लाइटिंग दिख रही है, प्रॉपर नहीं आ रहा है अभी। वहाँ पर काफ़ी सारे फूड आउटलेट्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर लाइटिंग दिख रही है, लोग बहुत ही कम है। सामने है समुद्र और उसकी लहरें, लग तो बोट ही रहा है, बोट ही है। हाँ तो रात में जो पानी की आवाज़ आती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन अभी बज रहे हैं, मैं आपको टाइम बताती हूँ, 7 बज रहे हैं अभी, तो 7 बजे भी एकदम शांत है। मुझे लगता है ना एक बीच वाला, आई एम नॉट सेइंग कि गोवा वाला चाहिए, बट थोड़ी सी वाइब होनी चाहिए। बाकी समुद्र तट पर बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, लहरों की जो आवाज़ होती है मुझे हमेशा से सुनना बहुत पसंद है, तो इसलिए कुछ देर हम लोग यहाँ पर बैठ के बैठे हुए हैं, और बस कुछ देर आराम से थोड़ा सा सुकून वाला टाइम यहाँ पर स्पेंड करेंगे। बाकी अगर आप सुकून और शांति पसंद करते हैं तो दीव आ सकते हैं। बाकी सारी जो चीज़ें हैं, फोर्ट वगैरह, नाइडा केव्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोग कल एक्सप्लोर करेंगे, कल विजिट करेंगे। तो डे 2 ऑफ दीव में मैं आपको नाइडा केव्स वगैरह, वो सारी चीज़ें, दीव फोर्ट, INS खुकरी, वो सारी चीज़ें विजिट कराऊंगी, तो बने रहना ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फील द वाइब, मे बी आपको लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मुझे बहुत अच्छी और बहुत सूदिंग सी लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, और पानी यहाँ तक भी आने लगा है। वाओ ब्यूटीफुल गाइस, देखिए वो दूर वहाँ पर ना दीव लिखा हुआ है, DIU दीव। लाइटिंग से सुबह पता चलेगा कि किसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन समुद्र के बीच में लिखा हुआ बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये देखिए हमारे दोनों भुट्टे के शौकीन लोग भुट्टा खा रहे हैं, पहले भुट्टा खा रहे हैं, और मुझे किसी ने भुट्टा पूछा भी नहीं, ना ही भुट्टा दिया, तो डस्टबिन में दिखा सकता हूं भुट्टा, और डस्टबिन में तो किसी का भी पड़ा रह सकता है यार भुट्टा। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पार्किंग नहीं है, बट पार्किंग के लिए 50 रुपीज़ लिया गया था। सो ये जो रोड साइड जैसे ये गाड़ी खड़ी हुई है, ऐसे ही हमने भी अपनी कार को पार्क किया हुआ है, और सामने है वो फूड आउटलेट्स सारे। सो यू हैव टू पार्क योर कार हियर एट रोड साइड ओनली,
आई डोंट नो कोई पार्किंग है या नहीं, सबने ऐसे ही गाड़ियां पार्क की हुई हैं। और रात के 12 बजे तक ये बीच ओपन रहता है, वो पार्किंग वाले भैया ने हमें बताया। अभी आप देख रहे हैं फूड स्टॉल्स पे भी कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, मीन्स ज़्यादा रात तक यहाँ पर कोई रुकता नहीं है। बट अच्छा खासा एक मार्केट टाइप छोटा सा एक एरिया बना रखा है, तो आपको खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। और वहाँ पर मुझे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट भी दिख रहा है, तो एक दो बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ से पार्किंग किया था, एंट्री लिया था, वहाँ पर भी एक बड़ा सा होटल है। तो अगर आप बीच साइड पर रहना चाहते हैं यहाँ पर ही एकदम नागोवा बीच पर, तो यहाँ पर भी होटल्स ले सकते हैं। हो सकता है ये प्रीमियम होटल्स हैं थोड़े से, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस पे करने रहेंगे। अभी बज रहे हैं 8, हम लोगों ने नागोवा बीच विजिट कर लिया है। हाफ एन आवर में ही, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब अभी शाम में कुछ ज़्यादा करने को नहीं है। तो हाँ, अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल, अगर बीच में कहीं रुकते हैं डिनर करने के लिए तो वो करेंगे और उसके बाद जाएंगे होटल। सो आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है। पूरा दिन तो ऑलमोस्ट जर्नी में ही निकल गया था। आज करीब 10 घंटे की जर्नी थी और शाम को बीच पर आ गए, तो इट वॉज अ गुड डे, टायरिंग और हेक्टिक डे बट अच्छा था। लोग डिनर करने के लिए आए हैं ये चामुंडा रेस्टोरेंट पे, जो कि नागोवा बीच से करीब 1 किलोमीटर बाद ही आ जाता है। तो हमें किसी ने बताया वेज रेस्टोरेंट है और अच्छा है, तो चलिए हम लोग भी ट्राई कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसका खाना कैसा है। तो आप भी आ सकते हैं अगर चाहें तो वेज खाना खाने के लिए। इसका मेन्यू मुझे रेट्स काफ़ी रीजनेबल लगे हैं। अभी खाना आने के बाद मैं आपको वो भी रिव्यू कर दूंगी कि खाना कैसा था। सो रेट्स इसके बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात ये वेज रेस्टोरेंट है, वो मुझे अच्छा लगा। आप थाली भी ले सकते हैं, फिक्स थाली भी है यहाँ पर और कुछ गुजराती डिशेज भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले खाना आएगा, खाकर बताऊँगी कि कैसा रिव्यू है, कैसा टेस्ट है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। खाना आ गया है, हमने लिए हुए हैं मटर आलू की सब्जी, गुजराती कढ़ी, रोटी, राइस, सैलेड, पापड़। तो ये सब आज हम लोग खाने में ट्राई करने वाले हैं एंड ये है राइस। सो खाना खाते हैं सबसे पहले और फिर आपके साथ आपको बताएंगे कि आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं नहीं। और इसके अलावा हम लोगों ने छाछ लिया हुआ है जो कि एकदम फ्रेश था, प्लेन छाछ था। आप उसमें ये मसाला है छाछ मसाला, ये डाल करके पिए, मस्त लग रहा है। इस खाना हमारा हो गया डन। और खाने की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा खाना था, अभी तक का हमारा बेस्ट खाना। व्यू ऑफ होटल अपार, और इसके पास में एक और होटल है, ये होटल रिलैक्स इन जो राइट साइड में है। एंड देखिए अभी पार्किंग एकदम फुल है इसका। एंड अभी हमें जो रूम मिला है वो 4th फ्लोर पर मिला है और वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। गाइस लुक एट द व्यू फ्रॉम द बालकनी, कितना प्यारा दिख रहा है शाम को समंदर। और ऊपर वाले फ्लोर पर रूम होने का एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा फ़ायदा यही है कि मैं यहाँ से पूरा सी देख पा रही हूँ अपनी बालकनी से, और शाम को ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बालकनी में बैठकर।